सूत्रों से एरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। एरावत, इस समय कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे थे एनकाउंटर की, तीन आतंकियों के घिरे होने की जानकारी है, आपके पास क्या अपडेट? एरावत, तो बिल्कुल एरावत से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें, बारामूला और किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है, लगातार सुरक्षा बल के जवान वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और किस तरीके से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, आतंकियों को ध्वस्त वहां पर किया जा रहा है, ये उसी की तस्वीरें सामने है, किस तरीके से आतंकी है, तीन आतंकी वहां पर घिरे हुए हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, एनकाउंटर वहां पर जारी है जिसमें एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में और जम्मू कश्मीर के ही बारामूला में। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनका ऑपरेशन चल रहा है, तीन आतंकियों के घिरे होने की जानकारी है, इस समय आपके पास क्या अपडेट? देखिए, ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कल घात लगाकर भारतीय सेना के जो एक टुकड़ी थी उस पर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि आतंकियों के इस हमले को सुरक्षा बलों ने जो है वो समय रहते विफल किया, लेकिन भारतीय सेना के चार जाबाज जो हैं वो इसमें घायल हुए थे, दो जाबाज जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, दो जो हैं वो अभी घायल हैं जिनका इलाज जो है वो भारतीय सेना के अस्पताल में इस वक्त जारी है। ये आतंकियों की संख्या तीन बताई जाती है, ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पाकिस्तानी आतंकी हैं और ये काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव। आपको बता दें कि 16 जुलाई को जो डोडा जिला, जो कि बिल्कुल साथ में लगता जिला है, तकरीबन 60 किलोमीटर का फर्क यहां से वहां पर है, वहां देसा इलाके में इन्होंने आतंकी हमला किया था जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन ब्रजेश थापा की जो है शहादत हुई थी, उनके साथ तीन और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद से ही लगातार आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया था, परसों देर शाम इनको इत्तला मिली थी, दो दिन से लगातार ऑपरेशन जारी था, लेकिन कल जब आतंकियों के ठिकाने के पास सुरक्षा बल पहुंचे तो आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों को एम्बुश करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसका जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की गई। तकरीबन बताया जाता है कि आधे से पौने घंटे तक भीषण गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से हुई, आतंकियों की तरफ से जो है यूबीजीएल तक दागे गए सुरक्षा बलों पर और भारतीय सेना की चार जाबाज जो हैं वो घायल हुए। कुल 20 सैनिकों की यह टुकड़ी थी जो कि इस आतंक विरोधी अभियान के लिए गई थी और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए जो अभी इस इलाके में एक्टिव हैं, क्योंकि ये आतंकी काफी लंबे समय से इस इलाके को जानते हैं, इसलिए ये हर एक इलाके में, चाहे गुफाओं की बात की जाए या फिर घने जंगलों की, उस जगह पर ये लोग घात लगाकर छिप रहे हैं और जब सुरक्षा बल वहां से निकल जाते हैं या आ रहे होते हैं तब ये लोग हमला करते हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि दो जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकियों को घेर लिया गया है चारों तरफ से और एनकाउंटर में दो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन इन आतंकियों का सफाया करना है, इसी के चलते ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। बिल्कुल, ये कुछ पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ठीक, जहां पर आतंकी घिरे हुए हैं और एनकाउंटर जारी है। बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे संवाददाता एरावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एरावत, ये जानना चाहेंगे कि आतंकियों को दो जगह पर घेर लिया है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, दो जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस वक्त और क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है एरावत, जिसके तहत ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जा रहा है? कितने आतंकी छिपे हुए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? लगातार हम कल से देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था, नॉर्थ कश्मीर के पटन बारामूला इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को जो है अभी बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें, फिलहाल बारामूला में एक आतंकी की मौत होने की इनपुट आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार हम देख रहे हैं घाटी के अंदर किस तरह से अपकमिंग इलेक्शन से पहले आतंकी गतिविधियां हो सकती है, जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही कहा था कि किस तरह से आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का ऑपरेशन ऑल आउट जो है लगातार जारी है और इस समय हम देख रहे हैं किस तरह से एक फ्रेश जो कांटेक्ट हुआ है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। हालांकि सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था दो से तीन आतंकी। बिल्कुल एरावत, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो देखिए जवानों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, किस तरीके से घाटी में आतंकियों को घेर रखा है, सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। बिल्कुल, दो जगह बताई जा रही है, किश्तवाड़ और बारामूला, जहां पर आतंकी घिरे जा चुके हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में हमारे दो जवान शहीद हो गए, दुखद है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे क्या कुछ इनपुट मिला, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
घाटी में आतंकी साजिश नाकाम, घाटी में आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने आतंकियों को घेरा, जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार, हथियारों का जखीरा भी बरामद, आतंक पर अब लगेगी आखिरी कील। विधानसभा चुनाव से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। जब से घाटी में चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही आतंकी आए दिन कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं और उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं अभी तक जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में दो जवानों के शहीद होने की खबर भी आई है। बहरहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इधर उधमपुर में दो दिन पहले हुई मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया था। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में 3-4 आतंकी छिपे हैं। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। बहरहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जम्मू के पहाड़ी जिलों पुंछ, रजौरी, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर में पिछले 2 महीनों के दौरान सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों के बाद सेना ने घने जंगलों वाले इलाकों में तैनाती बढ़ा दी। आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी प्रचार के लिए जम्मू जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आपको अगली खबर बताते हैं। देखिए 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको बता दें तमाम जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला समेत क्षेत्रीय दलों की सुई ऐसा लग रहा है 370 पर ही अटक गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहती हैं इन विधानसभा चुनावों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सभी पार्टियां और फारूक अब्दुल्ला बजाय विकास के 370 को वापस लाने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव धारा 370 के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां आर्टिकल 370 के खात्मे के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आए दिन 370 का राग अलापना नहीं भूल रहे। रोज किसी न किसी कार्यक्रम में घूम फिर कर फारूक धारा 370 पर आ जाते हैं। बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में। ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 अपेंटी से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा यहाँ के लोगों के लिए। शोपिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला 370 को लेकर बयान देते नजर आए। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक 370 जाने से लोगों की जमीनें चली गई। फारूक अब्दुल्ला लगातार धारा 370 और 35A फिर से बहाल करने की वकालत कर रहे हैं जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि धारा 370 और 35 से हटने का मुद्दा अतीत हो चुका है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि धारा 370 और 35 से हटने का मुद्दा अब अतीत हो चुका है। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी। एक और बीजेपी जहां घाटी में शांति विकास की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल घूम फिर कर 370 पर वापस आ जाते हैं। जिस पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या विपक्ष के पास 370 के अलावा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, क्या विपक्ष के पास विकास को लेकर कोई विजन नहीं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। 18
25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब देखना है कि चुनाव में धारा 370 आखिर कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।